जिला बिलासपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 205 पर चंडीगढ़ मनाली पर कलर के समीप तीन गाड़ियों की टक्कर हो गई। गनीमत ये रही कि गाड़ियों का नुकसान हुआ लेकिन किसी को चोट नहीं आई है। हालांकि घटना की वजह ओवरटेकिंग माना जा रहा है, जिसमें बिलासपुर की तरफ से जा रहे ट्रक ने पहले तो एक कार को टक्कर मारी और उसके बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस ने ट्रक को टक्कर मार दी। हालांकि बस और कार को काफी नुकसान हुआ है लेकिन ट्रक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इस कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर काफी लंबा जाम देखने को मिला। कुल्लू मनाली जाने वाले पर्यटकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा पंडोल रोड स्थित निरंकारी भवन बैजनाथ में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ SDM बैजनाथ रामेश्वर दास ने किया। रक्तदान शिविर में 74 रक्तदानियों ने अपना रक्तदान कर पुण्य कार्य में भाग लिया। टांडा मेडिकल कॉलेज से आई टीम ने इस शिविर के आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। निरंकारी मिशन का उद्देश्य समाज का उत्थान करना है। SDM रामेश्वर दास ने कहा कि निरंकारी गुरुओं ने सामाजिक उत्थान के लिए अपने अनुयायियों को प्रेरित किया है। उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप के आयोजन के लिए बधाई दी तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। हिमाचल प्रदेश के तिब्बत सीमा से जुड़े किन्नौर और स्पीति के लोग जवाबदेही बुनियादी सुविधाएं ना होने से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में संचार व सड़क सुविधा जवाबदेही हो तो पर्यटन को पंख लग सकते हैं। कुदरत ने यहाँ कई रमणीक और मनमोहक स्थल बनाए हैं। इसके अलावा यहाँ की संस्कृति से बाहरी लोगों को भी रूबरू किया जा सकता है। इस क्षेत्र के लोगों का कहना है कि कई गांव ऐसे हैं जहाँ फोन से संपर्क साधने के लिए 5-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसी तरह सड़कों की दशा भी ठीक नहीं है। रमणीक स्थलों पर पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। नाको जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर पार्किंग की सुविधा नहीं है। ऐसे में इन क्षेत्रों में बसे लोग चाहते हैं कि क्षेत्र के लिए ऐसे जनप्रतिनिधि जाएं जो क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझ सकें और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील हों। लोगों का कहना है कि बेरोजगार युवाओं के लिए पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के द्वार खुल सकते हैं। सौरव नेगी ने बताया कि किन्नौर के दूर दराज में इंटरनेट की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। पर्यटन के क्षेत्र में किन्नौर काफी आगे जा सकता है। सड़कों की दशा ठीक नहीं है। वे चाहते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ऐसे प्रतिनिधि आगे आए जो उनकी समस्या को समझ सकें। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान अमित शाह ने अनुराग ठाकुर पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक बात याद रखना कि इस बार चौथी बार हमीरपुर की जनता अनुराग ठाकुर को जिता कर अगर संसद में भेजती है तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार में एक बड़ी भूमिका वे निभाएंगे। उन्होंने ये ऐलान मंच से किया है। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर ने युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए कई आंदोलन में भाग लिया, लाठियों का सामना किया, पानी की बौछारों का सामना किया, जम्मू कश्मीर तक तिरंगा यात्रा की और अमित शाह ने कहा कि जितने भी विधानसभा चुनाव उनके कार्यकाल में हुए हैं वहाँ पर बड़ी जीत निभाने में अनुराग ठाकुर ने अहम भूमिका अदा की थी। अमित शाह ने कहा कि हिमाचल की चारों सीटें उन्हें चाहिए।
उनके साथ इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल तथा अन्य नेता मौजूद रहे, जबकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अनुराग ठाकुर इस बार जीत का चौका लगाएंगे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर हार का चौका लगाएंगे।